हम भारत के साथ हैं, बाकी सारे ममालिक भारत के साथ हैं, तो भारत अपने आप को अकेला ना समझे। मुश्किल के वक्त में हम लोगों ने उनको याद किया, तो बाकी भी उनको याद करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें भारत वाले खास तौर पे। वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम इंडिया एंड ऑब्वियसली वी शुड बी प्रेइंग फॉर एवरीबडी देयर, और जितना हमसे हो सकता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ऑफ हेल्पिंग इंडिया, तो वी शुड बी हेल्पिंग देम एज वेल। और ऑल्सो ऑनलाइन आई हैव बीन सीइंग कि काफ़ी ज़्यादा फंड रेजिंग हो रही है इंडिया के लिए, तो वी शुड ऑल बी टेकिंग अ पार्ट इन दैट, कि हम जितना हो सके अपने नेबरिंग कंट्री को हेल्प आउट करें एंड एट द सेम टाइम उनसे हम लोग सबक सीखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जिस तरह कोविड के क्राइसिस चल रहे हैं और तो और इंसानी जान को बचाना मुश्किल होता जा रहा है, हिंदुस्तान की इस सिचुएशन पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं। इंडिया में जो कोरोना की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, इस हवाले से आपकी क्या राय? देखें जी, इंडिया में कीमती जानों का ज़िया हुआ है, उस पर बहुत अफसोस है, दुख है, और एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेबर कंट्री, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, इंशाल्लाह इंडिया जल्द इस वबा से निकल आएगा। मैं जब इंडिया के जितने भी लोग हैं जब उनकी स्टोरीज़ देखती हूँ, जब न्यूज़ सुनती हूँ, मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों का आपस में बेशक वो हमारी उनसे बनती नहीं है, मुझे वो उनका धर्म भरम जो भी वो सब कुछ अलग है, लेकिन सबसे पहले वो लोग इंसान हैं। जब भी मैं कुछ देखती हूँ ना ऐसा, तो मुझे दिल से दुख होता है और मैं रोज़ाना लिटरली मैं उनके लिए खुसूसी दुआ करती हूँ कि वहाँ पर जो हालात चले हैं वो ठीक हो जाएँ, क्योंकि मुझे खुद देख कर इतना दुख होता है कि उनके साथ ये हो रहा है। हालाँकि पाकिस्तान से वहाँ बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतने ज़्यादा कोरोना केसेज़ हैं कि लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को आप मरता हुआ देखें ना इतनी बेरहमी से, तो आपको इतना दुख होता है, और जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे भी उतना ही दुख होता है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरी ये राय है कि माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल द ऑब्वियसली ऑल द विक्टिम्स देयर एंड एवरीबडी हू सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अदर देन दैट, मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप दिस गोज़ आउट टू एवरीबडी, कि हमें इंडिया से सबक सीखना चाहिए एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड वी शुड प्रोटेक्ट आर सेल्फ्स। और जो अभी यहाँ पे हालात चल रहे हैं, इवन दो मैं भी यहाँ पे खुद हूँ, लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल बी वेयरिंग मास्क, और लॉकडाउन अगर नहीं लगता तो दैट्स अ गुड थिंग। हमें खुद कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को एंड वी शुड बी स्टेइंग एट होम, और हमें सेफ डिस्टेंस प्रैक्टिस करना चाहिए। वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम इंडिया एंड ऑब्वियसली वी शुड बी प्रेइंग फॉर एवरीबडी देयर, और जितना हमसे हो सकता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ऑफ हेल्पिंग इंडिया, तो वी शुड बी हेल्पिंग देम एज वेल। और ऑल्सो ऑनलाइन आई हैव बीन सीइंग कि काफ़ी ज़्यादा फंड रेजिंग हो रही है इंडिया के लिए, तो वी शुड ऑल बी टेकिंग अ पार्ट इन दैट, कि हम जितना हो सके अपने नेबरिंग कंट्री को हेल्प आउट करें एंड एट द सेम टाइम उनसे हम लोग सबक सीखें एंड वी शुड लर्न दैट वी शुड नॉट एंड अप लाइक देम। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया है, चाहे वो जैसा है, और हमारी उसके साथ हमदर्दियाँ अब बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह के कोरोना ने इंडिया को अपने लपेट में ले रखा है, तो हमें चाहिए कि एक इंसान, इंसानियत के नाते हम उसको सपोर्ट करें, और जितना हो सके हमारी जो हुकूमत है उसके साथ तआवुन करें। और मैं ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो मैं समझता हूँ कि खुदा की पहचान जो है वह अब हो चुकी है उनको, कि अल्लाह है जो कि कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें जो रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना है, इसमें भी दुआएं करनी चाहिए जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, कि अल्लाह तबारक व ताला जितनी भी ये सिचुएशन है कोरोना की, तो ये अल्लाह इस अजाब को हमसे दूर कर दे। मेरे ख्याल से जो हम लोग यहाँ पे भी अभी हालात देख रहे हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस तो खैर दोनों साइड पे हुकूमतों ने की है, लेकिन लोग इस चीज़ का अभी भी ख्याल नहीं रख रहे। सेकेंडली, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, तो हमारे पास जस्ट लाइक इंडिया हमारे पास भी उतने वसाइल नहीं हैं कि हम इसको उस तरह से कंट्रोल कर सकें, तो सिर्फ पॉपुलेशन और जो रहने सहने का तरीका, ये रीज़न बना है इन हालात का। जी, ये जो इंडिया में ये जो हुआ है, ये बेसिकली उनकी बेहतियाती की वजह से हुआ है। जो उनकी होली गुजरी है और एक उनका एक कुंभ का मेला होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और उसकी वजह से उनका ये सर्ज आया है। तो बात यही है कि आप अगर एहतियात नहीं करेंगे और SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात बन सकते हैं, जो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि नहीं बने। लेकिन बस बात यही है कि आप SOPs के ऊपर एहतियात करें, अमल करें, और उसी से ही ये कोरोना से बचा जा सके। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। पहले तो बहुत बुरे हालात जो देखने में आ रहे हैं और जो हम सब देख रहे हैं,
अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में मतलब इससे आधे भी ऐसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हालात नहीं है, और अल्लाह पाक पाकिस्तान को बचा के रखे। इंडिया को देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे क़यामत आ गई हुई है, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अल्लाह पाक बेहतरी रखे। लेकिन जो अभी आप देख लें कि आज क्या हालात हैं, इतना ज़्यादा रश है, गुजरने का रास्ता मुश्किल हो रहा है, तो ये किस तरह होगा? मतलब अल्लाह पाक हम पे रहम करे अपना। लेकिन जिस तरह आज देखें 80% लोग हैं ऐसे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ, बाकी 20% जो हैं उन्होंने नहीं लगाया हुआ। इट मींस के जो SOPs पे तो अमल 100% तरीके से नहीं हो रहा। मेरा तो कहना ये कि जो 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 हुकूमत इनके कहती है कि भी इस चीज़ जिन जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उधर की आवाम को चाहिए कि वो चीज़ को फॉलो करे, ताकि इस जो कोविड जो एक बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है, और हमारे में जहालत की इंतहा ये भी है कि भी हम इसको अभी तक एक्सेप्ट करने पर एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम मानते नहीं है। लोगों का अभी ये भी कहना कि नहीं ये अफवाहें, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हम मानना चाहिए कि ये वाकई एक चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जिसका इलाज नहीं है। वहाँ के जो डेली के केसेस आ रहे हैं ना, 3.5 से 4 लाख केसेस आ रहे हैं डेली के, ठीक है, तो और वो इससे फाइट भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इस हवाले से यही राय है कि जो भी हेल्प कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यही वो वक्त है जब पता चलता है कि इंसान का इंसान से किस तरह का नाता है। तो हम भी इंसान है, बाकी भी इंसान है, तो वो इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करें तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि जितनी मदद हम कर रहे हैं उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि कुछ नहीं तो कुछ तो किसी को फ़ायदा हो। यही जो मैंने लाइक आई सेड बिफोर के इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हर कोई आके उनकी हेल्प आउट कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ भी और हमारा कंट्री भी, बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह का पेंडेमिक है कि पूरी दुनिया पे अफेक्ट कर रहा है, सो एवरीबडी इज़ बीइंग अफेक्टेड। तो ऑब्वियसली कोई एक कंट्री अगर ज़्यादा अफेक्ट होगा तो सब उसको हेल्प आउट करने आते हैं, विच शोज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी इन एवरीबडी। देखें ये बहुत अच्छी बात है कि हमें मुश्किल में तमाम ममालिक को, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अभी मुश्किल है कोरोना की, इसमें जिस तरह लोग या ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बाकी मामलात में भी एक दूसरे को उस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। तो हमें एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बल्कि ये ग्लोब है, ये दुनिया एक ग्लोब की मानदा, तो हमें एक ग्लोब में रहते हुए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है, हमें अपने मज़हब और अपनी एक जो इख्तलाफात हैं इंडिया के साथ उसे बालातर होकर इंसानियत के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि इंडिया को अपनी जेब छोड़ देनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने अपनी मदद की एक हाथ बढ़ाया, तो इंडिया को मदद लेनी चाहिए, बाकी पूरी दुनिया मदद कर रही है, करना भी चाहिए, इंसानियत सबसे ऊपर होती है, दुश्मनी से ऊपर होती है इंसानियत। देखें जिस तरह ये एक पेंडेमिक है, ये परसेंट टू परसेंट स्प्रेड करता है, जिस तरह से आज से कोई 100 साल पहले 1921 में स्पेनिश वायरस यानी ब्लू वायरस ब्लैक वायरस एक आया था, इसको ब्लैक फ्लू कहते थे, तो वो भी इसी स्पीड से फैला था। बात यह है कि जब आप ख्याल नहीं रखेंगे SOPs का, तो ये चीज़ एक दफ़ा स्प्रेड होगी परसेंट टू परसेंट, तो अब इसको रुकने में टाइम लगेगा। जी देखें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से पहल की अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए भी, कि नेबर कंट्रीज़ हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना है, ये पाकिस्तान ने फिर से साबित किया है। और इंडिया के लोगों ने एहतियात भी नहीं की थी कुछ, जैसे पाकिस्तान और एशिया के लोगों की एक साइकी है कि कोरोना नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है कि आप ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना है, बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, इससे आप बचाव के लिए जितनी एहतियात करें कम है। और इंडिया जिस तरीके से फाइट कर रहा है, इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है, कम पड़ गए, और पाकिस्तानी आवाम को आप देखें शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, बाज़ारों में रश है, थोड़ा सा एहतियात करें इससे पहले कि हालात हमारे भी इंडिया जैसे हो जाएं, और हालात इससे पहले कि बेकाबू हों, आप एहतियात करें अपनी और अपने प्यारों की। वो हर सारे उनको सपोर्ट करें उस मुल्क को, क्योंकि इंडिया में हालात ऐसे इंसानियत के नाते करना बनता भी है, और हमारी इंसानियत के नाते दुआ है कि अल्लाह पाक इंडिया में भी जो हालात हैं वो भी अल्लाह पाक बेहतर कर दे अपने रहम करम से। और आपने देखा जैसे कि इंडियंस भी ये बात माने हैं, और काफ़ी हद तक वो उन्होंने मुसलमानों से दुआएं करवाई हैं, आखिरकार पता लगता है कि अल्लाह एक ही है। सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट जो जाने चली गई हैं वो उनका तो खसारा नहीं पूरा हो सकता। हाँ, अल्लाह उन पर रहम करे और वो इसी तरह जो हैं सरवाइव करते रहे, फाइट करते रहे कोरोना के अगेंस्ट, और अल्लाह उनके उन पर रहम करे। भाई ये जो पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ एक हाथ बढ़ाया है दोस्ती का कह लें या एक इंसानियत का, इंडिया को भी चाहिए इस चीज़ की कदर करे, और ये बड़ा अच्छा इकदाम है अब अगर पाकिस्तान ने भी इसका सपोर्ट किया है और मुल्कों की तरह, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे एक कंट्री पुअर कंट्री है, और उसके बावजूद भी अगर इंडिया को हेल्प कर रहा है
तो मैं कहता हूँ ये हमारे पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इकदाम है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को भी इंडिया की इस सिचुएशन से सबक हासिल करते हुए केयरफुल रहना चाहिए? डेफिनेटली रहना चाहिए, बिकॉज हम में और इंडिया में क्लाइमेट वाइज और इम्यूनिटी वाइज इतना डिफरेंस नहीं है, और हेल्थ केयर वाइज भी इतना डिफरेंस नहीं है, और इकोनॉमिकली भी इतना डिफरेंस नहीं है। तो जो उनके साथ हो रहा है वो खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी हो सकता है, तो इससे पहले कि वो हालात आ जाएं हमें पहले ही इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए सिचुएशन को। ऑफ कोर्स क्योंकि जो आपने मेरे ख्याल से लास्ट जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका आपने अगर बयान सुना हो तो 80% वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं, तो जो फर्स्ट वेव के अंदर लोगों के अपने नुकसान हुए हैं जानी माली और अपनी फैमिलीज के लोगों को उन्होंने जाते हुए देखा है, तो मेरे ख्याल से ये छोटी मोटी आउटिंग्स को अभी हमें चाहिए कि हम अभी ख्याल करें और ना घर से इस तरह निकलें, और ताकि ज़्यादा नुकसान से हम लोग बच सकें। पाकिस्तान को बहुत सबक हासिल करना चाहिए। मैं पता है क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है, लेकिन जब मुझे तो लगता ही नहीं था कि कोरोना है, लेकिन जब से मैंने इंडिया को देखना शुरू किया है ना, तो मैं कहती हूँ इतनी भी क्या है कि लोग मरने लग गए हैं, तो तब मुझे पता चला कि वाकई यार कोरोना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान को उसे ये सबक हासिल करना चाहिए कि जो लोग मेरी तरह कहते हैं कि कोरोना वायरस नहीं है, तो वो इस बात को ना लें, क्योंकि कोरोना वायरस है तो लोग मर रहे हैं, तो आप लोग एहतियात करें, मास्क वगैरह लगाएं, SOPs का ख्याल रखें, यही है। बिल्कुल रहना चाहिए, अकेले सिर्फ पाकिस्तान को नहीं रहना चाहिए, पूरी दुनिया को इससे सबक जो है सीखना चाहिए कि उस वो मुल्क जो है उस पर अब क्या, वहाँ के लोग जो मर रहे हैं उनके घर वालों पे क्या बीत रही, और यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, और हमें एहतियात करनी चाहिए। जी देखें, आपकी कंट्री, आपके प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए बेस्ट विशेज भेजी हैं, आपकी यहाँ से इतनी एम्बुलेंसेज गई हैं 50 के प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आपको उनसे सबक सीखना है। अगर वही हालात इधर आ गए तो हमारी कौन हेल्प करेगा, ठीक है? इंडिया तो खुद क्राइसिस में है, इंडिया तो हमारी हेल्प नहीं ना करेगा, तो इससे बेहतर है कि आप एहतियात करें। जिस तरीके से गवर्नमेंट अवाम को आगाही दे रही है, अवाम को भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कोविड के अगेंस्ट उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल, देखें ये वबा ने जो इंडिया को अपने लपेट में रखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की यह ख़ास हम पे करम नवाजी है कि हम फिर भी बचे हुए हैं, लेकिन बचे रहने का ये मतलब नहीं है कि हम एहतियात छोड़ दें। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बड़ा सबक हासिल करना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में लोग सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर जगह नहीं है और वो लोग मर रहे हैं, और उनके पास दफनाने के लिए और जलाने के लिए भी अब जगह नहीं बची, तो पाकिस्तान में भी ये हालात बन सकते हैं, तो सबको चाहिए कि एहतियात करें और SOPs पे अमल करें। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।